नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ हम मौजूद हैं रीवा के सबसे व्यस्ततम चौराहे जय स्तंभ पर। यहाँ पर एक फल की दुकान है, लगातार खुल रही थी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान सबको बंद करने का निर्देश दिया गया था, फिर भी लॉकडाउन के दौरान ये फल की दुकान खुली थी। हमारे साथ यहाँ पर SDM शैलेंद्र सिंह जी, मैं सीधे उन्हीं से बात करूँगा। सर, ये पूरा मामला क्या है? जी देखिए कि लॉकडाउन और बाकी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर पालन करा रहे हैं और उसी के अंतर्गत विभिन्न दुकानें और विभिन्न जगहों पर कार्रवाई हम लोगों ने की हुई है। तो यहाँ पे इनके खिलाफ जुर्माना वगैरह कार्रवाई की थी। जुर्माना राशि आपने जमा नहीं की है, इसलिए फिर हम लोगों ने उनको मौका देके जब जमा नहीं किया तो फिर दुकान सील कर रहे हैं। सर, ये आए दिनों देखा जा रहा है जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान लगातार आप लोग दिन रात सड़कों पर हैं, उसके बाद भी कुछ दुकानदार नहीं मान रहे हैं। तो पहले आपने उन पर कुछ फाइन किया, उसके बाद पहले हमने समझाइश भी दी थी उनको, और समझाइश देने के बाद फिर जुर्माने का है। जुर्माने में भी दो तीन कैटेगरी हैं। तो जैसे पहली बार का है तो 100 रुपये 500 रुपये है, फिर नहीं करते हैं तो फिर 10,000 रुपये, फिर और नहीं करते हैं यदि तो ऐसा अलग अलग उसमें निर्धारित है। और प्रयास रहता है कि समझाइश से ही मान जाए। सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, कुछ एक दो लोग सभी जगह होते हैं तो उसी तरह की। सारे लोग को समझाइश दी जा रही है, समझाइश देने के बाद वो लोग मान नहीं रहे। जब नहीं मानेंगे तो हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमें रीवा शहर के उन तमाम लोगों को बचाना है जिनको कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से हमें बचाना। जैसा कि मैं आपको टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखा भी पा रहा हूँ, यहाँ पर इसको दुकान को बंद करने की तैयारी की जा रही, लॉकडाउन की तैयारी की जा रही। हमारे साथ यहाँ पर CSP रीवा भी मौजूद है, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। सर, ये किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से गंदगी भी चारों तरफ दिखाई दे रही और लगातार आप लोग सड़कों पर हैं फिर भी लोग नहीं मान रहे, एहतियातन आपने ये निर्णय लिया है? अब आप चुप रहो तो हम बोले। हम सर आगे बताइए, अब क्या भाई कार्रवाई हो रही है? जब नहीं पालन क्यों कर रहे हैं? लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। कलेक्टर साहब आए थे, SP साहब आए थे, कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर गंदगी भी जिस तरीके से नजर आ रही है और इस समय स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, इसको लेके क्या अलग से कार्रवाई की? कार्रवाई नगर निगम कर रहे हैं और फूड विभाग भी कर रहे हैं। कार्रवाई हो रही है, सारे विभाग कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी का आलम है, इसके बाद निश्चित रूप से यहाँ पर जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ मौजूद है। स्वच्छता को लेकर यहाँ पर एक कार्रवाई और भी इस दुकानदार पर हो सकती है। इस तरीके से यहाँ पर फल की दुकान खुली हुई थी और उसको लेकर यहाँ पर आज प्रशासन ने कार्रवाई की है। ठीक उसी के बगल का हिस्सा मैं अब आपको आपके TV स्क्रीन पर दिखाता हूँ। इस समय स्वच्छता अभियान चल रहा, जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी का आलम आप अपने TV स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। लगातार यहाँ पर कचरे से भरा हुआ यहाँ पर पूरा गोदाम है, या यूं कहें कचरों का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ नगर निगम के अमरीश सिंह जी हैं, मैं सीधे उन्हीं से बात करता हूँ। ये बताइए, जिस तरीके से अभी आपने फल की दुकान सीज की और यहाँ पर जिस तरीके से कचरा भी पड़ा हुआ है, इस समय स्वच्छता अभियान भी चल रहा, स्वच्छता को लेकर आप लोग काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब आगे क्या? अब आगे इसको तत्काल हम लोग हटाने की कार्रवाई करेंगे। आज तो जो इसने अतिक्रमण किया था अपनी दुकान के सामने रोड पटरी पे, और साथ में 24 घंटे इसकी दुकान खुली रहती थी, जबकि शासन की लॉकडाउन में गाइडलाइन है कि आप 12:30 बजे दिन में बंद कर देंगे। तो ये हमारे कमिश्नर साहब को भी जानकारी हुई, उनका भ्रमण हुआ माननीय कलेक्टर साहब के साथ में, और जो दिशा निर्देश हुआ कि इसकी पूरी दुकानें सीज करिए आप, उस चीज़ की कार्रवाई आपके सामने हो रही थी। और जो इसका कचरा है, क्योंकि ये प्राइवेट लैंड है, फिर भी उसको कल ही या बल्कि आज ही उसको दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आप जो भी रॉ मटेरियल है गंदगी वाला, तत्काल आप उठाएं यहाँ से, इसको डिस्पोजल करें और यहाँ साफ सफाई रखें, जिससे स्वच्छता ना प्रभावित हो और ना कोई महामारी फैले। स्वच्छता ना प्रभावी हो, महामारी ना फैले। हालांकि हम पहले समझाइश देते हैं, पहले बहुत छोटा सा जुर्माना करते हैं, मजबूरी में हमें इस तरीके की कार्रवाई करनी पड़ती है जब हम दुकान को सीज करना पड़ता है। 12 बजे तक का नियम है, बताइए शाम के 4 बज रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से रीवा में कोरोना जिस तेज़ी से बढ़ रहा, उसको रोक पाने में यहाँ पर प्रशासन पूरे प्रयास के बाद भी असफल हो रहा। इस तरीके की कार्रवाई के बाद निश्चित रूप से उन लोगों पर एक असर पड़ेगा जो कोरोना के गाइडलाइन को नहीं मान रहे थे, अब वो गाइडलाइन को मानेंगे और कोरोना पर रोक लगाई जा सकती। कुछ इस तरीके से कहना था अमरीश सिंह जी का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।